ऐसा मत, आप हटो मत, नहीं मजबूर मत करो हम लोग को अभी। हाँ बोलो। और आप? आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है। पूरा नाम क्या है? अशफाक अहमद। रमजान साहब, एड्रेस भी साथ में, कहाँ रहते हैं आप? मैं सांता क्रूज़ में रहता हूँ। आपका ब्रांड है? आप माड़ा? माड़ा चिमू, माड़ा चिमू, पूरा आप अपना मौके बता दो। मैं शकील इब्ने हनीफ को ईसाई इब्ने मरियम और इमाम महदी मानता हूँ। जोर ए बुक हाँ मैं मानता हूँ। आप बोलो। मैं शकील इब्ने हनीफ ईसा इब्ने मरियम को मानता हूँ और इमाम महदी भी मानता हूँ। महदी भी मानता हूँ। आप भी जुमे रिपीट कीजिए। मैं इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानता हूँ। किसको? मोहम्मद शकील इब्ने हनीफ साहब। साहब को? हाँ। मैं भी मोहम्मद शकील इब्ने हनीफ साहब को, ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम महदी दोनों मानता हूँ। और आपका आमिर कौन है? बोल दो ना भाई, अमीर बता दो। अमीर है और क्या है? और हमारे अभी है, आपने अभी बोले थे शुरू में कि मेरे अमीर है। बात तो बहुत हो गई ना, बता दो ना अमीर। अमीर को बताओ, मुंबई में कौन अमीर है? हल्के में कौन अमीर है? किससे बैठ की हो, मतलब किससे आप लोग अमीर को इतना छुपाने की जरूरत? आपको डायरेक्ट मिले भाई, किससे? किससे सुन करके बताना, कौन देखो गाइड कर रहा था, नाम बता दे। भाई तो नाजिल नहीं होती है तो ना, आपको नाम बता दो। कौन सा? बोल देना, जब हक पर है तो क्या मसला है, बोल देना। मैं बोल रहा हूँ यही है। आपने पहला उसको गारंटी दे रहा हूँ, वो यही है। उसको बोलने देना, कौन गाइड किया है, कैसे बैंड्रा से आके इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा आप लोग को क्या मतलब, कुछ लालच है पैसे की क्या है? जॉब भी किया है ये, खुद बताया है ये लड़का। अच्छा आप एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हो, ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बिना परमिशन के बैठे भी थे, बिना इन्फॉर्म किए हुए मस्जिद को। नहीं ये बात नहीं, हम लोग चार साल हमने पहले, हम शकील इब्ने हनीफ को मानते हैं, ये हम एहतिकाफ से पहले नहीं बोले थे, इस पे हम वाकई बैठे हैं। अभी आपको मालूम पड़ा तो हम जा रहे हैं, हमारे पर कोई फोर्सफुली कुछ किया नहीं, हम जा रहे हैं। एहतिकाफ में बैठते हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और फिर हम यहाँ से अभी एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हैं और इन्होंने हमको कोई तकलीफ नहीं दी। हम लोग एहतिकाफ में बिना बताए बैठे, बोल के बैठे थे, लेकिन हम लोग ने ये नहीं बताया था कि शकील इब्ने हनीफ को हम लोग मानते हैं, बट हम लोग मानते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लोगों लोग ने कोई फोर्स नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नाज़रीन किराम, मैं सुफियान अहमद सरफी, इमाम खतीब मस्जिद अल-अक्सा दारुस्सलाम वाशी नाका चैम्बूर से। यहाँ तीन अहबाब क्या के एहतिकाफ में आकर के बैठे हुए थे और इनके बारे में क्या कुछ नौजवान आकर के खबर किए कि ये लोग नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी बहकी बहकी बातें बता रहे हैं पेशन गोइयों को लेकर के। और एक शख्स है बिहार के रहने वाला, शकील इब्ने हनीफ है, जो अपने आप को पहले तो उसने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं ईसा इब्ने मरियम के साथ साथ मैं इमाम महदी भी हूँ। ये दोनों दावे करके क्या है कि इस वक्त वो जो है औरंगाबाद के अंदर रहता है, तो उसके मुतकदीन जो है, उसके मानने वाले जो हैं, इस वक्त क्या है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे शोबों, बहुत सारे स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं, उन्हीं में से क्या है कि तीन लोग ये हैं जो हमारे सामने हैं। ये कई सालों से आकर के यहाँ पर एहतिकाफ में बैठा करते थे, लेकिन इनकी हकीकत क्या थी किसी को मालूम नहीं थी। कुछ नौजवानों के जरिए से पता चला कि इनके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं। उसके बाद फिर क्या है कि मैं सुफियान अहमद सरफी, मैंने इनके ऊपर थोड़ा नज़र रखना कोशिश, मैं इन पर नज़र रखी कि आखिर इनकी हकीकत है क्या। ये साहब हैं हमजा भाई, मैंने इनके जरिए से जब इनसे बात किया, मैंने कहा कि भाई शकील इब्ने हनीफ को आप क्या मानते हो, पहले तो इनके चेहरे की हवा ही बदल गई, रंग ही बदल गया कि आखिर क्या पूछ लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इतराफ करते करते इन्होंने ये कहा कि मैं शकील इब्ने हनीफ को जो है, हो सकता है कि इमाम महदी हो। फिर बाद में इन्होंने खुद इतराफ़ भी किया, उसकी आईडी वीडियो के सामने मौजूद है, इन्होंने इतराफ़ भी किया कि हम लोग मानते हैं। तो ये तीनों शख्स जो है बगैर इन्फॉर्म किए हुए कि हम शकील इब्ने हनीफ को, ईसा इब्ने मरियम और इमाम महदी मानते हैं, इस मस्जिद के अंदर बैठे थे, आज यहाँ से एहतिकाफ से निकल करके जा रहे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज बिलखसूस नौजवानों से कि ईसा इब्ने मरियम कौन है, शकील इब्ने हनीफ का फितना क्या, इससे आप जरूर बाखबर रहिए।
ईसा इब्ने मरियम क्या है कि आसमान दुनिया से नुज़ूल होंगे, इमाम महदी का जमाना कुछ और है, वो मक्के मुकर्रमा के अंदर क्या है कि उनका जहूर होगा, मदीना के अंदर उनकी पैदाइश होगी, और ये शख्स जो है शकील इब्ने हनीफ है, बिहार के अंदर पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर काम करता था, और आज क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपना फितना फैला रहा है। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और नौजवानों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि क्या है कि शकील इब्ने हनीफ के फितने से महफूज रहे। और ये तीनों शख्स वाशी नाका के लोगों से बिलखसूस मुंबई के लोगों से मैं कहूंगा, ये तीनों शख्स कहीं भी नजर आए इनके फितने से खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, इनसे किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू मत कीजिए। ये तीनों की तीनों क्या है कि फितना परवर हैं और फितना फैलाने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो देंगे, अल्लाह हम सबको दीन की सही समझता फरमाए, कुरान सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक दे।